कांग्रेस ने आज जो जगदीश टाइटलर को अपनी स्टेट बॉडी में रखकर सारी बॉडी की अनाउंसमेंट की, ये बड़ा स्पष्ट करता है कि गांधी परिवार उन लोगों को इनाम देता है जो सिखों का कत्लेआम किया और उसमें उन्होंने उसका साथ दिया। औरंगजेब की में और गांधी परिवार में कोई अंतर नहीं मैं देखता। औरंगजेब ने भी इसी तरह सिखों के सिरों का मोल डाला था और जो सिख का सिर उतार कर लाता था उसको इनाम दिया जाता था। कांग्रेस ने आज जो जगदीश टाइटलर को अपनी स्टेट बॉडी में रखकर सारी बॉडी की अनाउंसमेंट की, ये बड़ा स्पष्ट करता है कि गांधी परिवार उन लोगों को इनाम देता है जो सिखों का कत्लेआम किया और उसमें उन्होंने उसका साथ दिया। औरंगजेब की में और गांधी परिवार में कोई अंतर नहीं मैं देखता। औरंगजेब ने भी इसी तरह सिखों के सिरों का मोल डाला था और जो सिख का सिर उतार कर लाता था उसको इनाम दिया जाता था। उसी तरह गांधी परिवार ने भी जिन्होंने सिखों का कत्लेआम किया, जिन्होंने सिखों की बेपत किया बच्चों को, उनको आज तक गांधी परिवार सम्मानित करता आ रहा है और आज भी कर रहा है। जगदीश टाइटलर जिसके ऊपर सिखों के कत्लेआम के बड़े बहुत बड़े दोष भी हैं और सीबीआई में वो इंक्वायरी पेंडिंग है, ऐसे आदमी को कांग्रेस की स्टेट बॉडी में रखकर और उस वक्त पेश करना जब 1 नवंबर का दिन, सिखों के कत्लेआम का दिन, के रोग में रोज रोष में बैठे हों, दर्द में बैठे हों, उस दर्द के वक्त जगदीश टाइटलर को कांग्रेस के टेबलों पे बिठाकर, स्टेजों पे बिठाकर कांग्रेस ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि कातिलों के साथ ही है और रहेगी। इसलिए मैं कहता हूं गांधी परिवार में और औरंगजेब में कोई अंतर नहीं। कांग्रेस ने आज जो जगदीश टाइटलर को अपनी स्टेट बॉडी में रखकर सारी बॉडी की अनाउंसमेंट की, ये बड़ा स्पष्ट करता है कि गांधी परिवार उन लोगों को इनाम देता है जो सिखों का कत्लेआम किया और उसमें उन्होंने उसका साथ दिया। औरंगजेब की में और गांधी परिवार में कोई अंतर नहीं मैं देखता। औरंगजेब ने भी इसी तरह सिखों के सिरों का मोल डाला था और जो सिख का सिर उतार कर लाता था उसको इनाम दिया जाता था। उसी तरह गांधी परिवार ने भी जिन्होंने सिखों का कत्लेआम किया, जिन्होंने सिखों की बेपत किया बच्चों को, उनको आज तक गांधी परिवार सम्मानित करता आ रहा है और आज भी कर रहा है। जगदीश टाइटलर जिसके ऊपर सिखों के कत्लेआम के बड़े बहुत बड़े दोष भी हैं और सीबीआई में वो इंक्वायरी पेंडिंग है, ऐसे आदमी को कांग्रेस की स्टेट बॉडी में रखकर और उस वक्त पेश करना जब 1 नवंबर का दिन, सिखों के कत्लेआम का दिन, के रोग में रोज रोष में बैठे हों, दर्द में बैठे हों, उस दर्द के वक्त जगदीश टाइटलर को कांग्रेस के टेबलों पे बिठाकर, स्टेजों पे बिठाकर कांग्रेस ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि कातिलों के साथ ही है और रहेगी। इसलिए मैं कहता हूं गांधी परिवार में और औरंगजेब में कोई अंतर नहीं।